अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। जामिया कराची में हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत फ्लावर शो हुआ, जिसका इफ्तिताह वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अराकी ने किया। इफ्तिताह के बाद उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा किया और स्टॉल पर रखे हुए पौधों का जायज़ा लिया और स्टॉल पर मौजूद लोगों से सवालात किए और पौधों के बारे में गुफ्तगू की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल से पौधे लोगों पर मुफ्त भी तकसीम किए गए, ताकि वो शजरकारी का शौक़ पैदा कर उनमें और पौधे लगाए जाकर। इसके अलावा खालिद अराकी ने जो बेहतरीन स्टॉल थे उनमें इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी हर साल इस तरह की नुमाइशें करती रहती है। इस तरह के प्रोग्राम से एक जानिब टीचर और उस्ताज़ा में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है तो दूसरी जानिब एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है। शजरकारी हुकूमत हर पैमाने पर कर रही है, मरकज़ हो सूबा हो दोनों ही शजरकारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रीन पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत का प्रोग्राम है, इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में पौधे लगाए जा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी का शुमार उन जगह पर होता है जहाँ पर पौधे बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के तकरीबात करने से एक जानिब लोगों में पौधों की दिलचस्पी पड़ती है तो दूसरी जानिब लोगों को पौधों के फूलों के बारे में मालूमात भी मिलती है कि इस पौधे का क्या मकसद है और ये इसका फ़ायदा क्या है। तलबा व तलबात को भी चाहिए कि उस तरह के सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुकाबले में हिस्सा लें, ताकि उनको इनामात मिले। और इस मौके पर कराची यूनिवर्सिटी के मालियों में भी असनाद तकसीम की गई, उनको तोहफे दिए गए ताकि वो उनका हौसला बढ़े। आप देख रहे थे पाक एक्सक्लूसिव टीवी।